नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों में क्या था, एक भेद भावना जो थी, ऊंच नीच जाति ये सब ज़्यादा था। तो अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है, और भारतीय को हे दृष्टि से देखते थे। मतलब दूसरों को, भारतीय को क्या करते थे, वो नीचा दिखाते थे। यहाँ तक कि विशेष विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानून प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। तो भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था, और रेलगाड़ियों में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुष्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे नीचे सरकारी पदों से भारतीय को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवारों का भाग ले सकते थे, जिसको कि आज आप लोग आईएएस जो है सिविल सर्विस की सेवा में, तो उसमें क्या होता था ना कि वो पहली बात तो इंडियन के लिए था ही नहीं, ठीक है, और अगर कोई इंडियन उसमें ठीक से पास भी कर जाए तो उसको कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाता था, अड़चन लगा के रोक दिया जाता था। तो इस सेवा में भारतीयों का चुना जाना बहुत ही कठिन था। तो परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना ही कठिन था। अब भारत जो आर्थिक रूप से उस समय कमज़ोर था, उसके लोग इंग्लैंड जाते कैसे? तो यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करने से उसे पदच्युत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या किया, आवाज़ बुलंद कर दिया। अब आता है धार्मिक कारण। तो विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कहीं भी आप देख सकते हैं तो 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक क्रूरतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र दत्तनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। तो इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय धर्मग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जैसे कि आप गीता, रामायण ये सब। तो अब आता है कि इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। सबसे प्रथम जो आपका है कि यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता था, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने कांग्रेसों के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, जिसे हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध, ठीक है।